चलो गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे मुंह में ठूसे हो, जल्दी खत्म करो। अरे ये दो गन, दो गन रख देना चाहिए बाबू ऐसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक है। और आज है वेडनेसडे, और अभी टाइम टाइम हो रहे हैं 7:30। और बाबू का नाश्ता हो चुका है, बस वो नहाएगा अभी, 2 दिन से नहीं नहाया, मंडे और ट्यूसडे नहीं नहाया था, तो इसीलिए आज तो जैसे भी करके नहाना ही है। पानी गर्म हो चुका है, चलो। और मुझे बाल में पीस बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगी। चलो 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 दोस्तों, अभी भी बादल छाया हुआ है आसमान में, आज भी बारिश तो होगी ही, बट अभी नहीं हो रही है। चलो चलो खोल दो चप्पल। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, दिन भर में हम लोग क्या क्या करते हैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, और बाबू को भी नहला देती हूँ, तो चलिए ठीक है। मुझे पता है कि कैसे ड्रॉइंग किया जाता है कंप्यूटर में। हाँ कौन सिखाए मैम? मैंने खुद सीखा है, बस उसमें क्या हम क्या कंप्यूटर में बस ड्राइंग का पेपर लगाना होता है। अच्छा, उसको छोटे कर दे तो छोटा कर सकते हो, अगर बड़ा कर। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकलेंगे, 8 बज रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। लाइट बंद, लाइट बंद, चलो आ जाओ। और थोड़ी सी धूप निकली हुई है अभी, मतलब निकल रहा है फिर वापस से हुई, तो मैं कंबल थोड़ा सा धूप में रखी क्योंकि साफ करने के बाद भी जब हम रखते हैं तो उसका स्मेल थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, और अभी साफ करने का कोई भी इरादा नहीं है। वैसे हम अकेले, मतलब मैं अकेले साफ नहीं कर पाऊंगी, और अभी जैसे भी अगर की तो वो सूखेगा नहीं, तो इसलिए मैं धूप में रख देती हूँ ताकि उसका स्मेल चला जाए और हम लोग यूज कर सके। बस साफ करके रखे थे तो होता है और क्या। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से वापस आने के बाद। चलो, हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1, और अभी मैं हूँ किचन में, तो सुबह के बाद से सीधा अभी मिल रही हूँ आप लोग से, क्योंकि इसी बीच में मैं कुछ काम नहीं करती ज़्यादा, मतलब जो मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ, बस वीडियो वगैरह एडिट होती है और मैं बैठती हूँ ज़्यादातर टाइम, और क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ तो जो भी काम होती है, तो इसी चक्कर में मुझे थकावट भी होती है, तो मैं काफ़ी टाइम तक बैठती हूँ। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और चावल हो गई है मेरी, देख सकते हैं इधर छान के रखी हूँ। तो आज भी मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वही बचा कुचा जो है वही हम खा रहे हैं। कल जो मैं दाल बनाई थी वो भी काफ़ी सारा बच गया है दोस्तों, तो वो भी हम खाएंगे। और मैं आज ये बना रही हूँ, देख सकते हैं, आज मैं बैंगन टमाटर वगैरह मतलब मिक्स करके जला के अच्छे से भरता बनाऊंगी, और बस वही बाबू तो नहीं खाएगा। ये देख सकते हैं, मैं मिर्ची भी रोस्ट की हूँ, मिर्ची लहसुन टमाटर बैंगन मिक्स करके अच्छे से भरता बनाऊंगी, बस दाल और भरता, सिंपल। और सुबह मैं बनाई थी, ये देख सकते हैं, बाबू के जो लंच बॉक्स के लिए आलू भुजिया तो उसको भी हम खाएंगे, काफ़ी सब्जी होगी इसी में हो जाएगा, दाल के साथ एक सब्जी मिल जाए बस। तो यहाँ पर तो 2-3 हो गया हमारा, नहीं 2 हो गया, ये भरता बनेगा और ये आलू भुजिया। और अभी कुछ देर में मैं जाऊंगी बाबू को लेने के लिए, 1:15 हो रहा है दोस्तों, और अभी धीरे धीरे आ रहे हैं काले बादल। सुबह से अब तक बारिश नहीं हुई थी, मतलब बादल तो आ रहे थे जैसे कि अभी बारिश हो जाएगा, अभी बारिश हो जाएगा, बट नहीं हुई थी। लेकिन देख सकते हैं, अभी जब बच्चों का स्कूल छुट्टी होता है ना, उससे पहले आ जाता है बारिश, और मैं कपड़े सुखाई हूँ बाहर, तो चलिए हम दौड़ के जाते हैं और कपड़े लेके आते हैं। वो तो गीला कपड़ा है, इतना जल्दी नहीं गीला होगा,
ये देख सकते हैं, यहाँ पर इतना जल्दी नहीं आता पानी। तो मैं कपड़े इधर सुखा दी, अभी मैं जाती हूँ। देख सकते हैं इतना खराब है ना, क्या ही बोले। अभी कुछ देर में छुट्टी हो जाएगा, इतना देर बंद था, अभी स्टार्ट करने की क्या जरूरत। थोड़ी देर बात कर लेते, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बारिश में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हो चुका है अच्छे से रोस्ट। अभी हम मिक्स करते हैं इनको। ये मेरा लहसुन, ये है मिर्च, और इसको मैं निकाल के ना पहले पानी में रखूंगी। इसका छिलका निकालेंगे। ओह माय गॉड, देख सकते इतना ज्यादा मुसलधार आ गया ना। क्या ही बताएं, इनका भी अलग ही है। तो मैं छील लेती हूँ, बहुत बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि हाँ उधर जाके देखती हूँ बाहर का, इतनी अंदर तो नहीं आ रहा है। वैसे बंद किया था कि नहीं पता नहीं है मुझे, नहीं तो इतना हवा चल रहा है ये साइड ही, पर खिड़की से भी पानी आ सकता है। नहीं नहीं तो दोस्तों ये हो चुका है, मैं इसका छिलका निकाल के रख दी हूँ। आने के बाद इसको मिक्स करूँगी, और इसमें बस सरसों तेल और क्या प्याज और नमक बस। तो उसको मैं ढक के जाती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी धीरे धीरे रेडी हो जाती हूँ। ढाई मतलब डेढ़ ही बज रहा है, लेकिन मुझे कपड़े चूज करने में बहुत परेशानी होती है। मैं ये पहनूँ या मतलब कौन सा लेके जाऊँ, मुझे कोई भी कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता, क्या करें। अभी मैं ढूंढूंगी थोड़ी देर, फिर पहनूंगी, और बाल वाल कंघी करनी होगी, तब एक दिन मतलब मेसी हो चुका है बाल मेरा। तो बीच में क्या अच्छा मीनाती मैम, ओके चलो। तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है, और हाँ मतलब छुट्टी के टाइम तो देखो बाबू भागो चलो बारिश आ रही है। मैं छतरी लेके आई थी, बट कल जैसे हुआ था आज भी ऐसे हो रहा। थोड़ी देर पहले बारिश हुआ बट ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा से वापस शुरू कर रहे हैं बारिश। चलो 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 चलो। हेलो दोस्तों, तो हम लोग का लंच हो चुका है, और अभी क्या थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। और बाहर तो आप लोग देख सकते हैं बहुत झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश के टाइम चादर ओढ़ के सोने में मज़ा आता है। वैसे मुझे नींद भी आ रही है, और इधर बाबू का भी टीवी कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है बारिश की वजह से, इसी वजह से ये इधर गुस्सा होकर क्या कर रहे। चलो देखो फिर से बंद हो गया, अभी ऐसा ही होगा, बारिश हो रही है ना बाबा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम शाम को,
हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। मौसम तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बोल ही नहीं सकते, इतना मस्त है। और मेरे हस्बैंड जहाँ पर रहते हैं राहुल किला, वहाँ पर तो बहुत खतरनाक धूप हो रही है और बहुत गर्मी है, लेकिन इधर का मौसम जो है ना बस। तो बस चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं। लाइट वगैरह मैं सारा बंद करके आई हूँ। बाबू आप टीवी बंद कर दो, अभी हम चद्दर ओढ़ के अच्छे से सोएंगे। मैं जीता। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और टाइम 8 बज रहे हैं दोस्तों। तो बाबू उठ गया था 7:30 बजे, इसके बाद उसने नाश्ता किया और अभी लग गया पढ़ाई करने में। और होमवर्क वगैरह नहीं मिला है आज, तो बस हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। देखते हैं कब तक हमारा ख़त्म होता है। आज हम कर रहे हैं हिंदी वाला रिवीजन, तो जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग छुट्टी हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट कब छुट्टी होंगे वो बता नहीं सकती, मतलब 9:30-10 बजे तक तो हमको पढ़ना ही है, क्योंकि हम लोग बहुत रेस्ट कर चुके हैं तो हमें अभी नींद नहीं आएगी। 11:30-12 बजे तक तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ते हैं। और बस बाहर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग फैन चलाएं, क्योंकि मतलब पूरा जगह बंद है ना, तो अंदर गर्मी लग रहा है। और हम इसीलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि एक जो है चूहा है वो कहीं से भी घुस के आ जाती है, फिर पता नहीं क्या क्या खा रही है। अभी तक तो सिर्फ मैं आलू देखी हूँ जो मतलब काट के छोड़ी है आधा उधरा, बाकी तो कैबिनेट तो मैं बंद रखती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो, अगर हम खुला छोड़ेंगे तो वो बबू का बुक्स है, कॉपी है, वो सब भी है, तो वहाँ कहीं घुस ना जाए, तो इसलिए हम लोग बंद रख रहे हैं। और बिल्ली भी है, हर टाइम रोते रहते रात में भी, कभी भी दिन में भी, बट उसको कोई नहीं पकड़ पा रहे, तो बस इसलिए हम बंद रखते हैं। और थोड़ा गर्मी लग रहा है अभी, थोड़ा ना स्लो चलाए, स्लो। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि बाबू डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो अभी बन रही है डिनर, ये देख सकते हैं इधर रोटी टिन और अंडा भजिया। और अभी टाइम 10:30 बज रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, अभी हम खाएंगे फिर बस वही रेस्ट लेना है। और अभी कुछ मतलब ज़्यादा बनाने का मन नहीं किया सब्ज़ी वगैरह, तो बस मैं अंडा भुजिया बना रही हूँ, इसी के साथ हम खा लेंगे। और क्या, नमक ज़्यादा हो गया इसलिए मैं टमाटर डाल दी हूँ, अभी टमाटर जल्दी नहीं पक रहा। तो दोस्तों बन के रेडी हो गया है, टमाटर ही थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, ठीक है कोई नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग अभी खाते हैं फिर सोना है, बस यही काम है अभी। और कल वही वापस से, जो भी टाइम टेबल है उसी हिसाब से चलना है। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छे से रहे, खुश रहे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।